I Dhananjay Yashwant Chandrachud having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India having been appointed as Chief Justice of the Supreme Court of India do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the constitution of India as by law established that I will bear true faith and allegiance to the constitution of India as by law established that i will uphold the sovereignty and integrity of india that i will uphold the sovereignty and integrity of india that i will duly and faithfully and to the best of my ability knowledge and judgment that i will duly and faithfully and to the best of my ability knowledge and judgment perform the duties of my office without fear and favour affection or ill-will

फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई वी चंद्रचूड़ के और ये दोनों ही ऐसे पहले फादर सन डुओ हैं जो कि दोनों ही इंडिया के चीफ जस्टिस रह चुके हैं जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने ज्वाइन किया था सुप्रीम कोर्ट को एज़ ए जज इन 2016 और तब से लेके अब तक सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल के बेंचेस के केस है, वो हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वो बेंच होती है जहाँ पे एक केस को पाँच या पाँच से ज्यादा जजेस सुनते हैं एंड दे हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू टू हियर मैटर्स रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल है जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने अपने अभी तक के करियर में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्डिक दिए हैं ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ह्यूमन राइट्स जेंडर जस्टिस पब्लिक इंटरेस्ट कॉमर्शियल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ सो आज के मेरे वीडियो में मैंने उनके दिए हुए दस इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को चुना है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे जस्टिस के एस पुट्टोस्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस की इस केस के अंदर जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी जो कि कर्नाटका हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं उन्होंने एक पेटिशन फ़ाइल की थी इन रिगार्ड टू दी आधार प्रोजेक्ट ये जो आधार प्रोजेक्ट है ये हैंडल कर रहा है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार नंबर जो हमारे आधार कार्ड पे होता है विच इज़ अ ट्वेल्व डिजिट आइडेंटिफाइंग नंबर जो कि हर इंडियन सिटीजन को देता है बाय यू आई डी ए आई इस केस के अंदर ही प्राइवेसी का इश्यू उठा था और यह कहा गया था दैट राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस केस के अंदर फाइव जज बेंच बैठी थी और फाइव जज बेंच ने इस केस को नाइन जज बेंच को रेफर किया था फॉर रीअफ़ॉमेशन जहाँ पे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने डिसेंटिंग जजमेंट दिया था और ये कहा था दैट आधार जो है वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनली पास्ड एज़ अ मनी बिल साथ साथ उन्होंने एनालाइज किया था आइडिया ऑफ प्रिविसी एज बीइंग बेस्ड ऑन ऑटोनॉमी एंड अ सिग्निफिकेंट साइड ऑफ डिग्निटी एंड डिग्निटी कैन नॉट एग्जिस्ट विद प्रिवेसी और उनका मानना यह था कि डिग्निटी और प्रिवेसी दोनों ही इनएलनेबल वैल्यूज़ हैं लाइफ लिबर्टी एंड फ्रीडम के एंड विच इज़ रिकोगनाइज बाय आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट जजमेंट वॉज ऑफ नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ये वो केस है जहाँ पे सेक्शन 377 को डिक्रिमिनलाइज किया गया था इन दिस केस द कोर्ट वॉज आज टू डिटर्माइन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 377 सेवनटी सेवन ऑफ द इंडियन पिनल कोड जो कि एक कॉलोनियल एरा का लॉ है एंड इट क्रिमिनलाइज होमोसेक्शुअल एक्ट एज एन अनेचुरल ऑफेंस इस केस के अंदर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने अपना एक अलग ओपिनियन दिया था और यह कहा था दैट सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी शुड बी डी एंड सेम सेक्स इंटरकोर्स शुड बी लीगल एंड दिस ओपिनियन वॉज यूनानमसली हेल्ड बाय दी फाइव जज बेंच इन एन एनाक्रॉनिस्टिक कॉलोनियल लॉ जो कि वायोलेट कर रहा था फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लाइफ एंड प्रिवेसी साथ साथ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा दैट दिस कुड ओनली बी सीन एज अ फर्स्ट स्टेप इन गारंटिंग एल जी बी टी इंडिविजुअल देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नेक्स्ट इज शफीन जहां वर्सेज अशोकन के एम इस केस के अंदर ये राइट दिया गया था दैट इट इज आर फंडामेंटल राइट कि हम कौन सा रिलीजन चूज करें और किस से शादी करें ऑल ऑफ अस हैज द राइट टू चूज आर लाइफ पार्टनर ये केस जो कि पॉपुलरली नोन है हादिया केस के बारे में जहाँ पे एक लड़की ने जो है एक मुस्लिम लड़के से शादी की थी और शादी के बाद उसने इस्लाम धर्म जो है उसे अपनाया था और दूसरे रिलीजन के पार्टनर से शादी की थी इस केस के अंदर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने यह कहा दैट एन हैज़ अ राइट टू डिसाइड मैरिज और रिलीजन एंड इट फॉल्स विद इन हर राइट टू प्रोवेसी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया था कि दैट इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू मैरी आसन ऑफ वन ओन चॉइस एज वेल एज द राइट टू चूज आ रिलीजन साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा that expression of choice जो है वो एक फंडामेंटल राइट right है जो हमें गिवन है अंडर आर्टिकल 19 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट आल्सो फॉर्म एन असेंशियल कॉम्पोनेट ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ लिबर्टी एंड ऑटोनॉमी और इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड फ्रीडम को हम कहाँ देख सकते हैं ये हमें मिल मिलती हैं अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूडिंग दी एबिलिटी टू टेक डिसीजंस ऑन एस्पेक्ट्स विच डिफाइंस वंस पर्सनहुड एंड आइडेंटिटी नेक्स्ट केस है इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इस केस को हम पॉपुलरली सबरीमला टेंपल के नाम से भी जानते हैं सबरीमला टेंपल सिचुएटेड है केरला के अंदर और यहाँ पे इशू ये था कि इस मंदिर के अंदर कोई भी वुमेन जो कि रिप्रोडक्टिव एज की है वो अलाउ नहीं है इस मंदिर के अंदर ट्रेडिशनली वुमेन एंड गर्ल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज वर नॉट परमिटेड टू वर्शिप देयर क्योंकि शास्ता जहाँ जिनकी मूर्ति है यहाँ पे, वो एक डाइटी है एक तरीके से वो ब्रह्मचर्य हैं एंड केरला हाई कोर्ट ने इस रिगार्ड के अंदर काफ़ी लीगल जस्टिफिकेशन दिया था कि ये ये एक ट्रेडिशन है जो 1991 से फॉलो हो रहा है एंड वुमेन वर लीगली फॉबिडेड टू एंटर दी टेंपल लेकिन सितंबर 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और ये रूल दिया दैट ऑल हिंदू पिलग्रम्स रिगार्डलेस ऑफ जेंडर कुड एंटर दिस टेम्पल और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह भी हेल किया कि any exception placed on women because of biological differences violates the constitution yani women ko sirf isle rokna kyunki they are of menstruating age wo galat hai because we are discriminating on the basis of biological differences and the court held that the ban violated the right to equality which is provided to every citizen टिकल फोटीन 14 वेल एज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल ट्वेंटी फाइव इस केस के अंदर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने हेल्ड किया था दैट नॉट अलाउंग वुमेन बिटवीन द एजेस ऑफ टेन एंड फिफ्टी टू एंटर दी सबरीमला टेंपल वॉलेट करता है उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। साथ उन्होंने ये भी कहा दैट इट्स सवोटेड देयर ऑटोनॉमी लिबर्टी एंड डिग्निटी

नेक्स्ट केस इज ऑफ रोमेला थापर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये 2018 का केस है जिसे हम पॉपुलरली भीमा कोरेगांव केस के नाम से भी जानते हैं ट्वेंटी अगस्त 2018 के अंदर महाराष्ट्र पुलिस हैड कैरीड आउट साइमल्टेनियस रेड्स अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया जहाँ पे पांच एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया था वो पांच एक्टिविस्ट कौन थे पहले थे वरवरा राव सुधा भारद्वाज गौतम नवलखा वे वेरनॉन गोंजावेल्स एंड अरुण फेरिया महाराष्ट्र पुलिस का ये कहना था कि ये जो एक्टिविस्ट हैं दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी अलगार परिषद ये एक इवेंट था जो कि हो रहा था टू सेलिब्रेट 200 हंड्रेड ईयर्स ऑफ द बैटल ऑफ कोरेगाव भीमा इन जनवरी 2018। थाउजेंड एटीन एंड अकॉर्डिंग टू पुलिस द परिषद ट्रिगर्ड द भीमा कोरेगाव वॉयेंस पुलिस ने यह भी कहा दैट द एक्टिविस्ट आर मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया विच इज अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन इस केस के अंदर कोर्ट जो है वो बेसिकली इवेलुएट कर रहा था अरेस्ट ऑफ द फाइव ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अंडर दी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट बाय द महाराष्ट्र पुलिस इन दिस केस जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ शोड हिस डिसेंट इन दिस केस रिगार्डिंग द अरेस्ट ऑफ फाइव ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फॉर एलिजिटली इंसाइटिंग एट भीमा कोरेगा एंड पार्टिसिपेटिंग इन अ क्रिमिनल कॉन्स्परेसी अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इशू है वेदर दी अरेस्ट वायलेटेड द अक्यूज फंडामेंटल राइट टू फ्री एक्सप्रेशन एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 19 एंड 21 एंड ऑल्सो पास दी ओपिनियन दैट अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मस्ट प्रोप द अरेस्ट ऑफ एक्टिविस्ट यानि वो इस अरेस्ट के अगेंस्ट में थे उनका ये कहना था It should not be done, they should not be arrested as they were just exercising their rights, their fundamental rights, which are provided to them under Article 19 and 21 of the Indian Constitution. Next case is of Government of NCT of Delhi versus Union of India. इस केस के अंदर ये हेल्ड किया गया था दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर इज नॉट द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ डेली जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने भी यही हेल्ड किया था और ये कहा था दैट सिंस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है एक क्रूशल फीचर है एग्जीक्यूटिव का एंड इट मस्ट बी लेड बाय द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो बाउंड है बाई द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर और उनका खुद की कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट केस इज ऑफ तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये एक हिस्टोरिक केस है जिसके बाद लॉ बनाया गया इन रिगार्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ कैटल अगेंस्ट द मॉब लेंचेस इस केस के अंदर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने डिसमिस की थी द मांड फॉर एन इंक्वायरी इन टू द डेथ ऑफ जज लोया जज लोया जो है वो हेयर कर रहे थे द केस ऑफ सोहरबुद्दीन फेक एनकाउंटर केस जबकि जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को अपने इस स्टेप के लिए काफी क्रिटिसिजम मिला बट उन्होंने यही जजमेंट दिया था नेक्स्ट केस इज ऑफ अभिराम सिंह वर्सेज सी डी कॉमचन इस केस के अंदर यह हेल्प किया गया था कि जो इलेक्टोरल कैंडिडेट्स होते हैं वो रिलीजन के नाम पर वोट सीख नहीं कर सकते सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द सुप्रीम कोर्ट विच हेल्ड दैट इलेक्टोरल कैंडिडेट कुड नॉट सीक वोट ऑन रिलीजन और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने इस रिगार्ड में अपना डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था उन्होंने डिस्टिंगविश किया था बिटवीन ब्लैंकेट कम्यूनल अपील्स एंड ग्रीवियंस बेस्ड ऑन कम्युनल अपील और उन्होंने स्टेट किया था डेट द फॉर्मर इज सोल्ली प्रोहिबिटेड अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट नाइनटीन फिफ्टी वन देन वी हैव द केस ऑफ जस्टिस के एस पुट्टोस्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ये टू थाउजेंड सेवेंटीन का जजमेंट है जहाँ पे ये हेल्ट किया गया था दैट राइट टू प्रविसी इज़ अ फंडामेंटल राइट यहाँ पे नाइन जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था जिन्होंने यूनानिमसली हेल्ट किया था दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द फंडामेंटल राइट टू प्रविसी एंड जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने इसका मेजॉरिटी जजमेंट लिखा था और कहा था दैट आई एम टॉकिंग फॉर माई सेल्फ जस्टिस केहर आर के अग्रवाल एंड अब्दुल नज़ीर एंड ही क्लियरली स्टेटेड दैट राइट टू प्रिवेसी एंड डिग्निटी एज एन इंट्रेंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ लास्ट इज द केस ऑफ जोसेफ शाइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इस केस के अंदर एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज किया गया था एडल्ट्री विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 497 ऑफ द इंडियन पिनल कोड जहाँ पे सिर्फ आदमी को सज़ा मिलती है उसे डिक्रिमिनलाइज किया गया और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा दैट अकॉर्डिंग टू द मेजोरिटी ओपिनियन इन माय ओपिनियन आल्सो द एडल्ट्री शुड बी डी क्रिमिनालाइज्ड एंड ही ऑब्जर्व दैट सेक्शन फोर ऑफ आई violates article 14 15 and 21 of the constitution and he also held that decriminalizing adultery was rooted in patriarchal notions and had resulted in centuries of female subjugation so so these are the 10 important judgments of newly appointed chief justice of india dy chandchur i hope this information was helpful to all of you please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.